हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपनी एक अलग तरह की वीडियो डालने वाला हूँ जो कि कुछ ओरिगामी थीम्स के ऊपर है। आज मैं अपने चैनल पे पहली बार कुछ पेपर से बनाने वाला हूँ और ये मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना लेते हैं। और वो चीज़ है ये है एक अम्ब्रेला जो कि खुलता भी है और बंद भी हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और आज हम लोग ये बनाएंगे। मैंने इसे कलरफुल पेपर से बनाया था, लेकिन आज हम इसे वाइट शीट से बनाएंगे। और इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ तीन वाइट शीट्स के लिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। दो मैंने स्क्वायर पहले से कर रखी थी और एक ये मैंने प्लेन ले रखी है। ये आपको तीन की ज़रूरत पड़ेगी। और चलिए आप देखते हैं कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पेपर की शीट्स ले रखी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। और अब मैं इसमें से एक शीट लूँगा और एक इधर रखूँगा। और अब इस शीट को हम लोग पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, जैसे कि आपने देखा ट्राइंगल में। ये देखिए, यहाँ एक ट्राइंगल बन चुका है। अब मैं इसे अनफोल्ड करूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पतली सी क्रीज बन चुकी है। अब ये क्रीज हम लोगों को ऐसे ही रखनी है। अब हम इसे दोबारा उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड से हाफ फोल्ड करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि अब ये फिर से वैसे ही हो चुका है। और अब जब आप इसे रखेंगे तो बीच में एक लाइन दिखाई देगी, ये देखिए यहाँ पर। और मैं इसे फिर से अनफोल्ड करूँगा, आपको बीच में एक क्रॉस दिख रहा होगा। ये क्रॉस हम लोगों को रखना है। अब मैं इसे ऐसे हाफ में फोल्ड करूँगा। अब ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, पहले हम लोगों का स्क्वायर था, अब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। मैं इसे रेक्टेंगल में बदल लेता हूँ। मैंने इसे हाफ में फोल्ड कर लिया है। अब हम जो ये है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। यहाँ पे हम इसे लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और ऐसे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ ऐसे फोल्ड किया था, ये है। अब इसे मैंने उठाया और ये क्रीज के अलावा ऐसे फोल्ड हो गया। अब देख सकते हैं ये ट्रायंगल है और ये पीछे का ये। अब हम इसे जो है इसे हम ऐसे कर देंगे वापस, ये। तो आप देख सकते हैं कि ये बंद हो गया और मैं इसे सही से कर देता हूँ। अब हम जो है ये दूसरी साइड लेंगे, दूसरी साइड से भी सेम करेंगे, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे और फिर से इसे अनफोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ क्या कंप्लीट ट्राइंगल है एक। कंप्लीट ट्राइंगल है। अब हम एक साइड लेंगे, इसे हाफ में फोल्ड करेंगे। हम लेंगे और ये खोल देंगे। फिर से हम इस साइड को खोलेंगे, ये जो फ्लैप है, एक फ्लैप हुआ। अब हम इसे उठाएंगे और कुछ इस तरह खोल देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये हो जाता है। आपको उठाना है ऐसे, होगी इसको ऊपर से ये प्रेस करना है, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो आपको खोल देंगे। अब देख सकते हैं कुछ टाई की तरह से स्ट्रक्चर आ गया है। आप देखिए अब ये ऐसा हो गया है। अब हम इसे ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम ये दूसरी साइड जो इधर की साइड थी इसे लेंगे, इसी के साथ भी ऐसा करेंगे, ऐसे हम करिए इसको जो है ऐसे रखिए। क्या बता रहे हैं? कुछ ऐसे करिए और से इधर की साइड फिर से फोल्ड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपकी ये टाई का कुछ ऐसा लगने लगेगा। अब हम इसे जो है उल्टी साइड ले जाएंगे
यानी पीछे की तरफ पलट देंगे। पीछे को हमारा यह है, अब इधर लेंगे, इधर से ऐसे, इधर से भी हम वैसे ही करेंगे। आप इसे ऐसे नहीं करिएगा, इसे खोलिए ऐसे, कुछ इस तरह से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप आराम से करिएगा तो पूरा खुल जाएगी, ऊपर टिप तक खुल जाए पूरा। अब आप इसे ऐसे रख दीजिए, खोल दीजिए ऐसे। अब फिर से अनफोल्ड कर दिए, अनफोल्ड नहीं मतलब इसको जो है हाथ से ऐसे कर दीजिए, और मेक श्योर कि ये वाला जो फ्लैप है, जो पीछे की साइड वाला है, ये हमारे इस साइड वाले फ्लैप्स के पैरेलल हो, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब सेकेंड जो फ्लैप था हमारा, उसे भी हम लेंगे, उसके साथ भी सेम करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मुझे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है बनाने में, तो आप लोगों को भी होगी, लेकिन आप लोग पेशेंस से काम कीजिएगा, पेपर को टॉर्न मत कर दीजिएगा। हम से खोलेंगे फिर से, खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि देखते देखते जो हमने पहले स्टार्टिंग में ट्राइंगल लिया था उससे अब हम कुछ इस तरह के शेप में आ चुके हैं। और हम लोगों ने अपनी फोल्डिंग करने के बाद फिर अब इसको फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सीजर, सीजर से जो हमारा ये नीचे का पार्ट है, ये वाला, ये लाइन आपको दिख रही होगी, इस लाइन के नीचे वाला ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इस पार्ट को काट देंगे कुछ ऐसे। मेक श्योर कि आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट काटें, अलोंग द लाइन, लाइन को मत काट दीजिए। अब आपके पास एक अम्ब्रेला का शेप आ जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा अम्ब्रेला का ही तो शेप होता है, कुछ ऐसा शेप आपके पास आ जाएगा। ऐसा शेप जब हमारे पास आ जाए तब तब हम लोगों को इसको रख देना है साइड में, और हमारे दूसरा वाला पेपर ले लेना है, और इसको भी हम वैसा ही कर देंगे। अब मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं पहले ही ये चीज़ बनाना सिखा चुका हूँ। तो अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और अब चीज़ें तभी कंटिन्यू करेंगे जब इसका मैं कुछ इस तरह का शेप बना चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ भी कुछ ऐसे ही कर लिया है, और ये देखिए ये भी कुछ अम्ब्रेला शेप का लग रहा है, बट इसके साथ हम थोड़ा सा अलग करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का इनर साइड है, हम लोग इसको अंदर की साइड लगाएंगे, जो हमारा मैकेनिज्म होगा छाते के खुलने और बंद होने का। अब ये कैसे करेंगे, ये हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। पहले मैं इसकी सारी क्रीजेस बराबर कर लेता हूँ, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्रीज बराबर होने के बाद अब मैं इसको बीच से कुछ ऐसे फोल्ड करूँगा, कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ ऐसे ही फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हो गया, थोड़ी सी टिप नीचे रहे जितनी मेरी निकली हुई है। अब मैं लूँगा यहाँ पे सीजर, और जो इसका एंड है इसको मैं थोड़ा सा काट दूँगा कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ ऐसे काट दिया है,
अब मेक श्योर कि जिस तरह आपने इधर काटा है आप इधर भी काट दें। देखिए मैंने काट दिया है। अब मैं इसे री ऐसे करूँगा, रीओपन करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हम लोग को कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा। अच्छे से अनफोल्ड कर लीजिएगा, कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपना ये लूँगा और इसे खोलूँगा कुछ इस तरह से और इसको भी खोल देंगे इस तरह से। मैंने इसको खोल दिया है। अब हम जो ये क्रीजेस होती हैं यहाँ से यहाँ की क्रीज जो है इसे बराबर कर देंगे कुछ ऐसे फोल्ड करके। आपको हर एक के साथ ऐसे ही करना है लेकिन ये सिर्फ उसी के साथ करना है जो आपने कुछ काटा था जिसमें आपको ये डायमंड्स दिख रहे होंगे। देखिए परफेक्ट लाइन होनी चाहिए। अब देखिए कुछ इस तरह का होगा आपका, ये कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा तब ये आराम से पीछे की तरफ मुड़ने लगेगा और आपको ये वाला शेप ऐसा लगेगा। अब हम लोगों को अपना पुराना वाला पहला वाला लेना था। अब इसको आप ऐसे खोलिए और अब यहाँ पे आपको थोड़े ग्लू की ज़रूरत होगी, कुछ इस तरह से आपको इसे अलाइन करके लगाना है। अलाइन करिए परफेक्टली। अब अलाइन होने के बाद मैं यहाँ पे ग्लू लूँगा, इससे मेरे पास यहाँ पे ग्लू है और मैं इसे कुछ ऐसे कर दूँगा और यहाँ पीछे की साइड में, या फिर आप इस पे ना लगाना चाहें ताकि कोई मैस ना हो, आप इस साइड पे उल्टा करके लगा लीजिए। हाँ दीजिए, उल्टा कर दीजिए और ग्लू लगा दीजिए। ये जो आपकी लाइन है इसके पीछे ग्लू लगाइएगा, इसके आगे मत लगाइएगा। और अब मैं यहाँ पे ग्लू लगा रहा हूँ, अच्छे से ग्लू लगाइएगा क्योंकि अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका अम्ब्रेला वर्क नहीं करेगा। आप इसे फैला लीजिए जैसे कि मैं फैला रहा हूँ। थोड़ी तो हाथ में मैस होगी ही क्योंकि आप अम्ब्रेला बना रहे हैं और अगर आप इसे स्प्रेड नहीं करेंगे, चाहेंगे कि ऐसे ही हम चिपका दें तो वहाँ पे कुछ निशान पड़ जाते हैं जो अम्ब्रेला में अच्छे नहीं लगते हैं और उससे थोड़ा फंक्शन भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब मैं इसे अपना पुराना वाला शेप लूँगा और उसके ऊपर चिपका दूँगा कुछ ऐसे। चिपक जाएगा। चिपकने के बाद आपका जो ये इनर वाला ये था, अब आपको इन दोनों को बीच से अलग ही रखना है कुछ ऐसे। इसे आपको बंद करना है। ये मेक श्योर करिएगा कि ये चीज आपकी बाहर ही रहे। ये देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी।
थोड़ी देर आपको जब इसे यूज करेंगे सही से तभी आपका ठीक हो जाएगा, जैसे कि मेरा ठीक हो गया। अब आपको इसे वापस अम्ब्रेला के शेप में ही लाना है। अब जो आपकी क्रीजेस थी सबको कुछ इस तरह, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ कलरफुल पेपर्स ले लिए हैं जो कि वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सेम सारे प्रोसेस थे लेकिन मैंने यहाँ पे कलरफुल पेपर से बना लिया है सेम चीज। अब देखिए मैं इसके आगे का आपको स्टेप दिखाऊंगा। जो आपने बनाया था तो यहाँ पे आपको एक वी दिखाई दे रहा होगा कुछ ये ऐसे, मैं इसे थोड़ा क्लोज इन ला के दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे आप में देखिए आप इसको, ये वी टाइप का दिख रहा होगा। अब आपको इसे यहाँ से प्रेस करना है और देखिए ये वाला सीधा जा रहा है लेकिन अंदर से ये मुड़ रहा है। अब ऐसे आपने एक किया, फिर मैंने दूसरा किया, फिर इसी तरह तीसरा लाए, ऐसे थोड़ा सा धीमे धीमे करना पड़ता है वरना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये आपका थोड़ा खराब भी हो सकता है। अब ऐसे किया, फिर ये तीसरा था, इस तरह आपको पूरा करता है, छोटे छोटे होता चला जाएगा खुद ब खुद आपका ये कुछ ऐसे। ये देखिए ये देखिए, आपको इसे यहां से प्रेस करना है ये चीज। जब धीरे धीरे आप सारे प्रेस कर देंगे तो ये दबने लगेगा और ये बिल्कुल सही से आपका आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगी जैसे मेरे साथ हो रही हैं लेकिन ये आपका बाद में सही हो जाएगा। ये देखिए आधा इधर आधा उधर जाएगा तभी बनेगा, जाओ बीच में आ जाए, ठीक है बस। अब देखिए ये हो चुका है, अब भी आपका छाता तैयार है। अब आपको सिर्फ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जैसे कि काट दो। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो छाते का डंडी होती है ना वो हम लोग बनाने जा रहे हैं, छाते की डंडी। उसके लिए मैंने जो लेफ्ट ओवर पीसेस था जब मैंने इनको स्क्वायर किया था तब इन दोनों पीसेस के जो लेफ्ट ओवर पार्ट थे उन्हीं से मैं बना रहा हूँ ताकि पेपर की वेस्टेज ना हो। तो अब मैंने यहाँ टेप लिया है, दोनों को साइड बाय साइड रख के जोड़ देंगे कुछ इस तरह। मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से जोड़ें क्योंकि ये अगर खुल गया तो आपकी स्टेम का जो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसे अच्छे से कर लें और फिर पीछे की साइड पलटते हैं, यहीं से आपको लेके जाना है। खोलिए अपना टेप और इसको कुछ ऐसे रखिए और फिर लगा दीजिए। अब मैं सीजर लूंगा यहाँ पे और इसे यहाँ से कट कर दूंगा। अब ये हमारा बन चुका है, एक सेकेंड। आप यहाँ देखिए मैंने इसको जो है जोड़ लिया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड किया, बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करना है, बहुत पतला सा, ताकि हम लोग का जो छड़ी का वो होगा वो बहुत मोटा ना हो, पतला रहे। धीमे 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 फोल्ड करते जाइए, पतली सी स्टिक बनती चली जाएगी आपकी। और ये जो बीच में टेप था ये अगर अच्छे से ना लगा हो तो आपकी ये खुल जाएगी, लेकिन जब अच्छे से लगा होता है तो ये ऐसे ही जल्दी चली जाएगी। यहाँ पे ऐसे मोड़ कर आपको इसकी पतली सी स्टेम बना लेनी है। ये आपको अभी मोटी लगेगी लेकिन मैं इसे बाद में थोड़ा पतला कर लूंगा। आप देख सकते हैं जो मैंने आपके सामने जो स्टिक बनाई थी मैंने उसमें यहाँ पे ऊपर एक जो स्ट्रिप होती है पेपर की इससे काटी थी और मैंने उसके ऊपर रोल कर दी है। जब मुझे थोड़ी और लंबी चाहिए थी तो मैंने दो ट्राइंगल्स जो बाद में कटे हुए छोटे कटआउट था उसमें से दो बार
स्ट्रिप्स निकाली और जोड़ दी। इससे थोड़ा मोटा हो गया है एंड मैंने इसमें भी कुछ किया था, मैंने इसमें यहाँ पे जो है ऐसे काट दिया था ऊपर का जो पॉइंट था, और यहाँ भी मैंने पॉइंट काट दिया है जिससे ये स्टिक पूरी पास हो सके। फिर अब मैं जब इसे अंदर डालता हूँ ऐसे, तो ये इधर से बाहर आ जाता है कुछ इस तरह से, इस तरह, और ये पूरा फिक्स हो जाता है आके, और फिर यहाँ पे ये रुक जाता है आके। और जो हमने फंक्शन बनाया था वो अब हम जब इसे यहाँ से पुल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, फिर जब छोड़ देंगे या फिर ऐसे दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ये आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग जो है फ्री बैठे हैं घर पे, तो कुछ ऐसे फन क्रिएटिव इंजॉयमेंट के लिए आप पेपर्स चाहे तो आप इसे किसी भी पेपर से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा वो पेपर थोड़ा सा हार्ड हो, उसकी हार्डनेस आपको ऐसे पता चलेगी कि आप उसे ऐसे करेंगे तो वो हल्का सा आपको खुद ही महसूस होगा कि ये थोड़ा सा थिक है और स्ट्रांग पेपर है। और फिर आप देख सकते हैं बन चुका है। अब हम लोगों को बस करना ये है कि जितने भी हमको लेंथ चाहिए, ये मैंने पहले से बना के रखा था, ये मैंने पहले से बना के रखा था, ये वाला मेरा बहुत पुराना था, आप देख सकते हैं इसे मैंने प्योर ब्लू से बनाया है और पिंक कलर की छड़ी लगाई है इसमें। मैंने इसे यहाँ पे जब पहले बनाया था तो मैंने इसे ग्लू से सील कर दिया था, तो अब ये काम भी अच्छे से करता है। और ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है इसका, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी जो टेल है इसे ही मोड़ देंगे और ये बन जाएगा। ये ब्लू और पिंक का बनाया था, थोड़ा छोटा वर्जन है, और ये वाला मैंने दो पेपर से बनाया है, यानी जो मैंने इसका जो येलो वाला पेपर था वो पूरा सिंगल पेपर लिया था, और पिंक वाला भी पूरा सिंगल पेपर लिया था। इसे मैंने एक ही पेपर के टू पार्ट्स करके फिर उसको जो हाफ में करके उससे स्क्वायर करके बनाया था, यानी जैसे मैंने पेपर लिया उसको हाफ में किया, जो हाफ था मैंने उसका स्क्वायर किया तब बनाया, तो इससे मेरा एक पेपर से ही मेरा फंक्शनल और ऊपर का दिखने वाला दोनों बन गया। और ये जो स्टिक थी ये भी मैंने लेफ्ट आउट पेपर से बनाई थी, लेकिन ये मेरे पास थोड़ा पहले से लेफ्ट आउट पेपर था, मैंने ये उसकी बनाई थी, तो ऐसा ही कुछ हम इसके साथ करेंगे। एंड आपको जितना एक्स्ट्रा लगे आप उससे उतना काट सकते हैं। अब मैंने इसे यहाँ से मोड़ दिया है कुछ इस तरह, ये अगर आपको लगे कि ये छोटा सा लूप है तो आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, धीरे धीरे मोड़ते चले जाइए और ये लंबा हो जाएगा। ये देखिए हमने कुछ ऐसा किया। अब मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरह ग्लू की तरह ग्लू से चिपका दूंगा, तब ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ये देखिए कैमरे के थोड़ा पास ले आते हैं इसे, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से सील किया था, ऐसे ही मैं इसे भी सील कर दूंगा और तब ये भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए इस वीडियो को और लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मेरा पहला ओरिगामी वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी ओरिगामी चीज़ें बनाता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसे दोबारा कुछ और लाऊंगा नया। ओके, टाटा, बाय बाय।